वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग NSP स्कॉलरशिप पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि NSP स्कॉलरशिप पर कस्टमर केयर का जो नंबर रहता है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये नंबर, इस पर मैंने कॉल करके पूछा था, क्योंकि अब तक मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट ऐसा है कि उनका आई ही नहीं है, पेमेंट अब तक मिलना चालू नहीं हुआ है। तो क्या करें स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट परेशान है। तो मैंने एक स्टूडेंट का वो नंबर से उनका ट्रैक करने बोला था और वहाँ पर फ़ोन लगा कि मैंने मेरी जो बात हुई तो उस ऑफिसर ने मेरे से क्या बोला, क्या उनकी और मेरी क्या बात हुई, वो पूरा मैं आज की वीडियो में विद प्रूफ ऑफ रिकॉर्डिंग यानी आपको सुनाने वाला हूँ, यानी उनकी रिकॉर्डिंग में मैंने आगे वीडियो के अंदर जोड़ दिए, वो पूरा आपको सुनाने वाला हूँ कि क्या मेरी बात हुई और क्या उन्होंने बोला, कब मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है और कब तक आपको पेमेंट मिलेंगी। वो सभी स्कीम के लिए सेम ये होने वाला है। तो जितने भी स्कीम है, चाहे वो माइनॉरिटी अफेयर्स हो या फिर दूसरी कोई CSS स्कॉलरशिप स्कीम है या दूसरी कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम हो, सभी के लिए है। तो ये आज की वीडियो में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं NSP स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट का, इसका लिंक मैंने फर्स्ट ही डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए। तो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो आपको नंबर दिख रहा है NSP स्कॉलरशिप के कस्टमर केयर का, ये नंबर है ये वाला। तो ये नंबर पर अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे उनको, यानी 8 to 8 यानी 8 बजे से 8 बजे के बीच ऑल डे कभी भी आप उनको कॉल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हॉलीडे, यानी हॉलीडे को भी मिलाकर आप कॉल कर सकते हैं। तो फिर ये देखिए, अगर वो कॉल पे आंसर कोई आपको नहीं मिलता है तो उनको यहाँ पर इस पर मेल आईडी दी हुई है, इस पर मेल करके उनको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो उन्होंने, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने क्या बताया वो सुनाऊँगा आपको रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद। नमस्कार जी, नाइस, आपका स्वागत है। मैं प्रकाश, मैं आपकी प्रकार से सहायता जी, आप क्या जानकारी लेना चाहेंगे सर? सर, उसका पेमेंट अब तक आया नहीं है, तो न्यू फॉर्म है लेकिन उसका पेमेंट अब तक आया नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? उधर आपका जान सकता हूँ, आपका शुभ नेम क्या है सर? मेरा नाम आकिब है सर। एप्लीकेशन आईडी बताइए सर। हाँ बता रहा हूँ, MH MH हाँ 20 22 22 23 23 0। लाइन पे बन रही है सर, जानकारी चार्ज की जा रही है। ओके, हेलो, स्टूडेंट नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बताइए सर। हाँ, मदर नेम जी, जी फादर नेम, फादर नेम है अजगर। डेट ऑफ बर्थ लिखिए, 18/2/2022 जी। फाइनली स्टेट के नोडल ऑफिसर ने आपको वेरीफाई कर दिया है, टोकन नंबर जनरेट होना बाकी है सर और आपका मेल लिस्ट में नेम आना बाकी है। हाँ, आपको इसके लिए वेट करना होगा, वेट कीजिए, स्कॉलरशिप आपका आ जाएगा। नहीं सर, कितने दिन ऐसे वेट करने का सर? 1 मंथ तक का वेट करना पड़ेगा आपको सर। 1 मंथ तो बहुत हो जाएगा ना, अभी न्यू फॉर्म भी ओपन हो जाएंगे अभी अगस्त से। सर, न्यू डेट अभी ओपन नहीं होगी, जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी जब तक न्यू डेट नहीं ओपन होगी। क्या सर? नो सर, मैरिज जनरेट नहीं है आपकी, जब भी जनरेट हो जाएगा यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, कितने दिन में जनरेट होंगी सर? 1 मंथ का टाइम लग जाएगा इसका टोटल प्रोसेस के लिए। 1 मंथ का लगेगा सर? ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में सबका लेट हुआ है या फिर खाली यही लेट हो रहा है? सर, सबका लेट है सर, सारे स्कीम के लिए लेट है आपका, ये आपका सिंगल के लिए नहीं है, सारे स्कीम के लिए लेट किया जा रहा है इसी ईयर के लिए जी। ओके, तो 1 मंथ का काम होगा ना सर? जी जी, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन पेमेंट 100% मिलेगा ना सर? बिल्कुल मिलेंगे सर, नेशनल स्कॉलरशिप पे आपका ये स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। हाँ जी, ओके सर जी, नेशनल कॉल करने का धन्यवाद सर, आपका समय शुभ हो। तो जैसा कि आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है, तो मैंने उनसे ये वाला नंबर जो है आपको नज़र आ रहा है इस पर कांटेक्ट किया था। तो कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि जो मैंने उनको दिया था एप्लीकेशन आईडी, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में उस बंदे ने फॉर्म न्यू भरा था। तो न्यू भरने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो फॉर्म है उसका अब तक मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं हुआ है, तो मेरिट लिस्ट जनरेट होने के बाद ये फॉर्म मेरिट लिस्ट जनरेट होने के लिए गया है और मेरिट लिस्ट जनरेट होने में अभी तक 1 महीने का उनका टाइम लगेगा पूरा पेमेंट उनका आने में, और मेरिट लिस्ट जनरेट अभी सबका सभी स्कीम
आपका लेट हो चुका है, इसलिए आप घबराइए नहीं, आपको पेमेंट है वो मिलेगा, यानी पेमेंट है वो 100% मिलेगा। उन्होंने देखिए पूरा रिकॉर्डिंग अगर आप सुने होंगे तो उन्होंने बताया था कि पेमेंट है वो मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट जनरेट होने का। जैसे ही मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाती है तो आपको पेमेंट वो मिलेंगी, और पेमेंट मिलने के लिए आपको 1 मंथ का वेट करना पड़ेगा, 1 मंथ में मिल जाएगा। क्योंकि अभी सभी स्कॉलरशिप स्कीम, जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम है, चाहे वो CSS स्कॉलरशिप स्कीम हो, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम हो, और फिर दूसरे ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम हो, जो भी स्कॉलरशिप स्कीम हो, सभी स्कॉलरशिप स्कीम के अभी 2-2 महीने लेट हो चुके हैं, यानी स्कॉलरशिप स्कीम में पेमेंट है वो डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है। इसलिए उन्होंने 1 मंथ रुकने के लिए बोला है, 1 मंथ अगर उसी में भी 1 मंथ रुकने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं आता तो फिर से उनको कॉन्टेक्ट करके मालूम अपन ले सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने 1 मंथ रुकने के लिए बोला है, तभी आप 1 मंथ के बाद ही, यानी 1 मंथ तक आपको पेमेंट है वो आपका रिसीव हो जाएगा। इसलिए आप 1 मंथ का वेट कीजिए, आप बिल्कुल पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको पेमेंट है वो मिलेगा, लेकिन आप 1 मंथ है वो रुकिए। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा है तो उन पर आप ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप कॉन्टेक्ट करके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ ये वाली ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके आप उनसे बोल सकते हैं, यानी उनसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको बात करना चाहे उनसे, जो भी पूछना चाहे वो उनको कॉन्टेक्ट करो, या फिर उनको ईमेल करके वो पूछ सकते हैं। ये तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।